मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंशुरा वचन। ये जो है अनबॉक्सिंग ये हो रही है आपकी। चलिए हम जा रहे हैं अभी गाड़ी के पास। देखिए इसमें देखिए लगा तो दिया है, लग गया, निकल जाएगा। ये देखिए इतना छुटका सा ये। चलिए मैं एक ट्रायल लेता हूँ पहले। ये देखिए बाहर से कैसे दिख रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंशुरा चैनल फ्लेक्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक और अनबॉक्सिंग से। और ये भी अनबॉक्सिंग जो है ये मेरी गाड़ी से रिलेटेड है। चलिए इसको फटाफट अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या है इसके अंदर। ये जो है अनबॉक्सिंग ये हो रही है आपकी टूर से रिलेटेड, क्योंकि ट्रिप हमारा है तो उससे रिलेटेड ही अनबॉक्सिंग है ये। और ये देखिए ये है आपकी पूरी की पूरी टूल किट। अब ये टूल किट का एक बैग इनको लेना पड़ेगा, बट मैं इसको फिलहाल देख सकते हो। इसमें आप पंचर की जो है ना पूरा सामान है इसमें। और ये ट्यूबलेस टायर है तो उसके पंचर के लिए बेसिकली ये यूज़ होती है। सॉल्यूशन वगैरह भी है, पंचर लगाने का भी, पंचर कील वगैरह निकालने का भी है, पुश करने का भी है, सब कुछ है। ये मैंने मंगाया अपने लिए ताकि हमारे ट्रैवल पे काम आए। अभी इसको खोल नहीं रहा क्योंकि अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। ऐसे ही इसको फिलहाल रख देते हैं और गाड़ी में जाके रख देते हैं संभाल के। चलिए हम जा रहे हैं अभी गाड़ी के पास। और ये जो हमने एक्सेसरीज ली है इसको थोड़ा चेक भी करेंगे और रख भी देंगे। अभी हम टायर इन्फिल्टर का चेक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी में हवा भी कम है टायर में, ये वर्क करता है नहीं करता, लेट्स सी। देखिए इसमें लो प्रेशर है, इसको भी हम चेक करते हैं कितना इसका दिखा रहा है, 215। लेट्स सी। जो है गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अभी इसको यहाँ पे प्लग करते हैं। लेट्स सी ये बहुत बड़े दिख रहे हो। इधर आ जा। नहीं देखो कितने पास आ रहे हो, क्या बहुत पास आ रहे हो, बड़े दिख रहे हैं बहुत। तो देखिए इसका मीटर यहाँ पे दिखा दिया, अभी इसको हम सेट करते हैं। सेट करने के लिए ये बढ़ाना पड़ेगा। कितना होता है? 33। अरे किधर गया, कैसे सेट होगा यार, अभी तो किया था। देखिए लगा तो दिया है, अभी चलेगा कैसे। स्टार्ट हो गया है, कितनी देर में होता है चेक करता हूँ। तो हम हवा भरने तो चले गए थे लेकिन पिन ही नहीं लगाया। और मैं वही कहूँ कि हवा क्यों नहीं भर रही गाड़ी में, 40-30 की ऐसा ही तक कर दिया। ओ फिर ये तो फ्यूज है, ये भी फ्यूज है, उसमें लगाऊंगी। कहाँ लगा था ये, तूने इसको पूरा ही निकाल दिया। तो ऐसे यार तू भी कलाकार है यार। चलिए गाइस बड़ी मुश्किल से हुआ लेकिन फाइनली हो गया। अभी देखिए यहाँ पे कोई निशान नहीं दिख रहा है और यहाँ का सिग्नल भी चला गया। सो वी हैव अंडरस्टूड कैसे उसको यूज़ करना है, क्योंकि पिछले वाले टायर में कम थी हवा और आगे वाला लो प्रेशर दिखा रहा है। तो पहले पीछे वाले में टायर भरी, मैं हवा भरी, जैसे उसमें हवा भरी आगे वाला भी नॉर्मल हो गया। और अब ये हाँ ये टीना कह रही इसका क्या करना है, तो अभी हम इसको भी लेके जाना है। इसका पहले SD कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद इसको जब वापिस आएंगे तब इसको भी इंस्टॉल कर देंगे। आएगा 8:30 तक, फिर तो कल ले लेना करे। पक्का? एक तो अभी आया हूँ कि फ्लाइट रात की 11 बजे की है। तो वो लेने आए तो कहते 8:30 तक कहाँ जा रहे हैं, वो भी बाहर जा रहे हैं। थर्मल चाहिए उनको भी। अच्छा वो भी ठंडे इलाके में जा रहे हैं। तो कह रहे हमारी तो आज की फ्लाइट ही है, उन्होंने भी ऑर्डर दिया था लेकिन वो आने में टाइम लग गया। तो कह रहे हैं कि घर पहुँचा देंगे उनका, तो उनको आज ही जाना है ना, हम कल ले लेंगे। उनकी आज रात की 11 बजे फ्लाइट है, 11-12 हम कल ले लें। फिर हम कर लेंगे, दूसरी जगह नहीं देखे ना फिर। और लड़ी वगैरह इधर से देखे या कहीं और से देखे? अपने बिजली वाले से ही देखे, उससे ले ले, भेज भी देगा लगाने के लिए। अच्छा ठीक, किस्मत अच्छी थी पार्किंग एकदम घुसते ही मार्केट में मिल गई। लड़ी आप फाइनल करते हुए, हमारी लड़ी खराब हो गई तो नहीं ले रहे। ये उस पर भी लग जाएगा, बोल गिरने उस पर ऐसे लपट जाएगा। चलिए फ्रेंड्स पहुंच गए, अब हम कर देते हैं, हमने SD कार्ड वगैरह ले लिया है। किधर गया SD कार्ड? SD कार्ड भी ले लिया है, 128 GB का ही लिया है फिलहाल, तो देखते हैं इसको लगा के। और अभी इसको करते हैं कैमरे को यहाँ पे इंस्टॉल। दिख गया, निकल जाएगा। हाँ थोड़ा सा उधर करो, किधर दिख रहा है? देखिए इतना छुटका सा ये और सीधे गिर गया नीचे, मिल गया फाइनली। ये तो इंस्टॉल कर दिया मैंने, लेट्स सी काम करता है कि नहीं करता। पहले
तो अभी ये चालू किया है, देखते हैं चालू हुआ कि नहीं। रेड लाइट तो जल गई इसकी। ओहो, लगा तो दिया है लेकिन कहानियां बहुत है इसकी। बाप रे बाप, डैश कैम ये डैश कैम वो, जो साइड से अच्छा वायर कर दिया तूने। बाद में फिटिंग करनी पड़ेगी एक्चुअली हमको। ये देखे टीनी ने क्या मस्त काम कर दिया, वायर ही नहीं दिख रही यहाँ पे, इधर हो गई, उधर से थोड़ी साइड से दिख रही है, बट ये दरवाजे पे हो जाएगी। दरवाजे में नहीं आ रही वो, दरवाजे के उसमें आ रही है, सिर्फ साइड में आ रही है ना दिखनी, क्योंकि यहाँ से फिर कहाँ डालोगे यहाँ कुछ। हाँ, और चलो फिर ठीक है, बेटर है, इतना तो बेटर है, दिख नहीं रहा। चलिए मैं एक ट्रायल लेता हूँ पहले, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है यहीं पार्किंग में, फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए बाहर से कैसे दिख रहा है, ये लगा हुआ है, और अभी वायर जो है पूरा टीना ने अंदर कर दिया, तो अभी दिख नहीं रहा। चलो ये काम तो हो गया बढ़िया, क्या कह रही? हाँ थोड़ा और अंदर डाल देंगे, वो प्रॉपरली चला गया, मैं सोचा टायर अटक जाएगी, वो नहीं हुआ, तो एक अच्छा सा हो गया काम। अब सिर्फ मेरे को थोड़ा इसको देखने के डाउनलोड कैसे करना है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया, क्योंकि नवंबर का महीना आ गया है, काफ़ी घरों में ऑलमोस्ट लड़ी लग चुकी है। हमारी लड़ी आपने देखा होगा, अभी हम लेके आए क्योंकि पहली बारी जो लड़ी थी वो जो है काम नहीं करी, तो हमको दूसरी लेके आनी पड़ी, तो कल हमारे घर पे भी लड़ी जो है फर्स्ट क्लास लग जाएगी। और इस बिल्डिंग में तो नीचे से देखो लाइट पूरी ऊपर जा रही है, सिमिलर टाइप से हमारी बिल्डिंग पर भी जाएगी, अलग अलग कलर की लाइट देख सकते हो सामने, और कितना डस्ट जा रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, बट अच्छा है, गुड। पटाखे भी चालू, और इस बार के त्यौहार पता ही नहीं चले, इतना फटाफट 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 आए। रक्षाबंधन से स्टार्ट हुआ, गणपति आए, फिर उसके बाद नवरात्रे हुए, दुर्गा पूजा, दशहरा, करवा चौथ, और अब सीधे दीवाली, दो दिन बाद दिवाली। बट मौसम एकदम मस्त हो रखा है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं बॉस, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी इस वीडियो में तो आप ही ने देख लिया कि हम लोग, मैं अभी भी कैमरा और वो इन्फ्लेटर तो अभी समझ में आ गया, लेकिन कैमरा को समझ आते कि रिकॉर्डिंग वगैरह कैसे होगी। कल एक बार और ट्रायल मारेंगे, जब जाएंगे बाहर रिकॉर्डिंग चेक करेंगे कैसा है क्या नहीं है, एक बार संतुष्टि हो जाएगी तो कन्फर्मेशन हो जाएगा। चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं जो कि मेरे एनालिसिस बताती है लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यही खत्म, बने रहिए मेरे साथ शिवराव चैन ऑफ लाइफ के साथ।